अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो मैं एमएलए की तरफ से राना उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल कलर्स, मतलब कि हम एचटीएमएल कलर्स को समझने वाले हैं। तो बस चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। एचटीएमएल कलर्स, एचटीएमएल कलर्स आर एक्सप्रेस्ड इन हेक्साडेसिमल वैल्यूज। वैसे ये हेक्साडेसिमल में हम यूज़ करते हैं कलर्स को, जैसे कि 0 to 9 A to F, ओके गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए बी सी डी ई एफ एफ तक, जस्ट एफ तक गाइस, ओके। देयर आर 16 वैल्यूज देयर, ठीक है, यहाँ हमारे पास 16 वैल्यूज हैं थ्रू 0 to F, 0 से लेकर F तक। 0 रिप्रेजेंट द लोएस्ट वैल्यू एंड F रिप्रेजेंट द हाईएस्ट वैल्यू। सिंपली साइज 0 जो है वो बिल्कुल कम वैल्यू है और F हमारे पास बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू है। तो गाइस, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं इसके कम्बिनेशन को समझने वाले हैं, HTML कलर मॉडल को, ठीक है। कलर आर डिस्प्लेड इन कम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। गाइस, RGB आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, अक्सर हम यूज़ करते हैं RGB का, यूज़ करते हैं हम Adobe Photoshop में, या हम कहीं भी एडिटिंग कर रहे हो तो वहाँ हम यूज़ करते हैं RGB क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। गाइस, यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज आर रिटन यूजिंग द हैशटैग सिंबल। जहाँ भी हम हेक्साडेसिमल यूज़ करेंगे वहाँ सबसे पहले हैशटैग या पुट करेंगे, मतलब हैशटैग से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस, फॉलोड बाय द इधर 3 or 6 हेक्साडेसिमल, अगर हमने 3 लिखनी है या 6 लिखनी है। द सर्कल ओवरलैप फॉर्मिंग न्यू कलर। अच्छा गाइस, मैं ये बताने लगा था आपको कि ये 3 कलर्स एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करते हैं ना तो ये एक न्यू कलर बनाते हैं गाइस, इससे हम सारे कलर देख सकते हैं, सारे कलर बना सकते हैं, ठीक है गाइस, इन 3 कलर से RGB। तो गाइस, आज यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड एंड फॉन्ट कलर। सिंपली है BG क्या होता है, एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू चेंज द वेब पेज। अगर हमने पूरे वेब पेज का ही कलर चेंज करना है तो गाइस हम लिखते हैं BG कलर, BG मतलब बैकग्राउंड का एब्रिविएशन है BG कलर। दिस एग्जांपल प्रोड्यूस अ डार्क ब्लू बैकग्राउंड विद अ वाइट हेडलाइन। गाइस, इसमें ये बता रहा है कि ये डार्क ब्लू इसका बैकग्राउंड कलर होगा, मतलब कि जो कोड में लिखा हुआ 00099 ये हमारे पास होगा डार्क ब्लू में, और वाइट हेडलाइन में हमें दे रहा वो FFFFF, वही वाइट हेड लाइन होगी। तो गाइस, इसका हम करते हैं इम्प्लीमेंट, बिल्कुल ही इजी सा होगा गाइस, ये तो बिल्कुल छोटा सा ही आपके पास लेक्चर आया था। और ये हम यहाँ न्यू फाइल बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ लेक्चर 9, क्योंकि आज हम लेक्चर 9 पढ़ रहे हैं, लेक्चर 9 गाइस हमने एक क्रिएट कर दिया। तो गाइस, यहाँ हम करने वाले हैं एक छोटा सा पैराग्राफ वगैरह लिख लेते हैं, H1 से स्टार्ट करते हैं। I am game developer, okay guys, यहाँ ये लिखते हैं और नीचे हम लिखते हैं पी में, मतलब पैराग्राफ में, I am also a web developer। ओके गाइज, ये हमने लिख दिया, एक सिंपल सी 2 लाइंस लिख दी, जिससे क्या होगा कि गाइज हमारे पेज में कुछ लिखा आ जाएगा। अब गाइज, जो मेन काम है वो है BG कलर का चेंज करना। BG कलर हमने कैसे चेंज किया था गाइज, यहाँ आपको समझना पड़ेगा BG कलर बैकग्राउंड कलर, मतलब हमें अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो बैकग्राउंड किस में आता है, बॉडी में आता है, बॉडी के अंदर हम लिखेंगे BG कलर, देन चेंज होगा। ओके गाइज, तो हम लिखने वाले हैं बैकग्राउंड BG बॉडी के अंदर BG कलर, और यहाँ हम देने वाले हैं हैश का यूज करने वाले हैं और लिखने वाले हैं 10000 और देन आगे क्या था गाइज, FF था आई थिंक, सो ओके 99 ये लिख दिया। ओके गाइज, अब इसे हम सेव करते हैं, और सेव करने के लिए यहाँ लिखने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 और इसे हम करने वाले हैं रन। तो गाइज, ये देखो BG कलर चेंज हो गया। सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ BG कलर का एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है बॉडी में। तो गाइज, अब हम चेंज करने वाले हैं इसका टेक्स्ट कलर, इसका फॉन्ट कलर। तो गाइज, बिल्कुल इजी सा है, वही फॉन्ट में जाके हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, या फॉन्ट का टैग लगा के जिसका हमें कलर चेंज करना है। जैसे कि इसमें बॉडी हेड में किया, अब हेडर में हम लिखते हैं फॉन्ट लिखा, अब इसको हमने क्लोज करना है वहाँ जहाँ तक हमने कलर चेंज करना, मतलब मैंने यहाँ तक करना, मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। फॉन्ट के अंदर हम क्या करेंगे गाइस,
फॉन्ट के अंदर हम लिखने वाले हैं बिल्कुल वही कलर इक्वल है एफ 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 एफ। तो गाइस इसे हमने सेव किया और देखते हैं, और यानी यहाँ देखते हैं। तो गाइस देखो वाइट कलर हो गया गाइस। सिर्फ इतना सा हमारा लेक्चर था आज। हमने क्या किया गाइस, मैं एक बार आपको दोबारा करा देता हूँ। हमने HTML कलर्स को देखा जो कि 16 वैल्यूज़ में होता है, जिसे हम हेक्साडेसिमल करते हैं। हेक्साडेसिमल डिपेंड करते हैं मतलब इसकी वैल्यूज़ हम लिखते हैं RGB में, रेड ग्रीन ब्लू में गाइस, ठीक है। और हमने BG कलर चेंज करना सीखा और फॉन्ट का कलर चेंज करना सीखा। कैसे BG का कलर बैकग्राउंड कलर का जस्ट हमने BG लिखा और फॉन्ट का हमने कलर लिख दिया जिसका हमने फॉन्ट चेंज करना था गाइस। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट सा था, पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की गाइस। अगर आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। ओके गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।